बॉलर का नाम क्या है? नमस्कार अंतिम फाइनल मुकाबला जोरदार तालियां कमाल एवरीवन कल पे जीते हैं शॉट सिलीमिट ऑफ संदीप जी गेंदबाजी के लिए तैयार एक्स्ट्रा कवर पॉइंट एक सिलीमिट ऑफ शॉट सिलीमिट ऑन और विकेट कीपर के पीछे कोई नहीं लेकिन वहां पर रमेश जी तैयार ही अभी को अरे बॉलर संदीप गेंदबाजी के लिए संदीप और नौ स्ट्राइक गेंद पर मिस्टर अग्रवाल सर संदीप तो दोनों संदीप हम देख रहे हैं एक तरफ बल्लेबाजी के लिए कल पे जीते हैं अंपायर के भाइयों से अंडर आर्म राउंड द विकेट पहली गेंद लेग स्पिन लेग स्टंप के बाहर खराब गेंद पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत गेंद करना चाहते थे कुरला गेंद चली गई पारला तो स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी का प्रोडक्ट शुरू हो चुका पहली गेंद और ये नहीं कर सकते हो शुरुआत माइंड सेट आपका अच्छा होना चाहिए कि इस मैच को मैं किस तरह से आगे लेकर चलूं कल्पेश जी पहली गेंद वाइड के बाद अब डॉट अच्छी गेंद अंदर लेकर आए थे बल्लेबाज को विचार करने पर मजबूर किया था लेग स्पिन कर रहे हैं संदीप पिचिंग होने के बाद थोड़ी नीचे रहती हुई सब मन डिलीवरी रमेश जी वहां पर तैयार लिखे और पिच गेंद मौका एक जीवन दान फाइनल मुकाबला एक छोटी सी गलती एक बड़ा गुना हो सकती है लेकिन इस मैच को बनाने के लिए किस तरह से आगे लेकर जाएंगे कल्पेश जी अभी भी यहाँ पर अपना व्यक्तिगत खाता खोला नहीं है और व्हाट अ शॉट दैट द ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाइसेक्टिंग कवर एंड एक्स्ट्रा कवर फॉर 4 runs सो ये लगा बी राइट रियल इस्टेट चौका अगली गेंद आगे निकल कर आए स्टेप आउट किया रन का मौका जब तक वहां पर जाएंगे केवल एक रन मुकम्मल अब यहाँ पर रन संख्या अच्छी शुरुआत जिस तरह से वाइड कितना 1-2 रन संख्या अच्छी स्ट्राइक पर सैंडी अंपायर के भाई और से लेग स्पिन करने के लिए तैयार हवा में गेंद और आउट Falcon Blasters बनाम SBB Lions second bowler Sachin from the Kanakia end is getting ready for the second or first delivery Kalpesh is on strike full dot delivery but umpire's given it's a dead ball fielders are not getting ready for the second over Falcon Blasters बनाम SBB Lions गेंदबाजी के लिए तैयार सचिन पहली गेंद टैप करना चाहते हैं लेकिन वहां पर ही बाउंस हुई जहां पर बल्ले खेलने की कोशिश कर रहे थे एक तरफ डिसेंट का बैटम देखे एक तरफ विनर अब अरुण जी वो बचे वहां पर वाइड का इशारा एक रन के 7 run संख्या स्कोर 8 run बिना 1 विकेट के नुकसान पर है इस तरह से पहला विकेट गया दूसरा ओवर चल रहा है सभी कमेटी मेंबर्स का भी हार्दिक आभार जिस तरह से योगदान स्नेहा राहुल वर्षी दर्शी विशेष भावेश पराग निर्मल और एक रन स्ट्राइक करना 7 ओवर का मैच है अब तक 6 फाइनल 7 ओवर रन संख्या 10 दूसरा ओवर प्रगति पर अरुण जी की लगेगी और बद्रेश जी ने कहा कि यस मुकुल जी वहाँ पर बद्रे जी मुकुल जी चिराग पारस अनिल जी मनोज सचिन ये सभी खिलाड़ी और व्हाट अ शॉट स्टेप आउट किया था कल्पेश जी स्टैंड जिस तरह से खड़े थे वहां पर पूरी तरह से बेहतरीन सिक्सर बी राइट एरियल स्टेट सिक्सर अच्छी गेंद
आप सचिन ने देखा कि बैट्समैन बाहर निकल कर खेल रहे हैं, अपने लाइन में इनको चेक किया और व्यक्ति जब दूसरी ओर निकल और रनआउट का मौका, लेकिन अनिल के हाथ से क्या छूटा है, लेकिन मुश्किल बच्चा है, लेकिन साथ ही का मुकाबला है, सोच समझ कर खेलना होगा। अपे जी क्या फिर एक बार खिलाड़ी तो वहाँ पर है, लेकिन अंपायर ने बता दिया ये निकला है कि रन के साथ वन संख्या स्कोर 19 पर एक, तीसरा ओवर प्रगति पर गेंदबाजी के लिए तैयार। और अपना विकेट दबाया है, दोनों रेल एक ही रेल पर चलने जा रहे हैं और अंपायर का इशारा तू चल नहीं आया। देखो जरा और एक विकेट, मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ फैल्कन ब्लास्टर के पास और विकेट गवा रहे हैं। वहां पर थोड़ा टिककर खेलने की जरूरत है, 7 ओवर का मुकाबला है और जल्दबाजी हो रही है। ये देखिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। विकेटों के पीछे कौन खड़े हैं? रमेश जी, अनुभवी। थोड़ा वेट करो, वेट करो जी। अभी रनआउट कौन किया? रनआउट किसने किया? अभी पारस गेंदबाजी के लिए तैयार। गेंदबाज फिर एक बार कोशिश करेंगे संदीप, और ये 4 रन, ये लगा बी राइट रियल इस्टेट चौका। मिलेंगे रन, 4 तो बेड़ा होगा पार, गेंद से मारे का पार। थोड़ा वेट करो अंपायर, थोड़ा वेट करो, स्ट्राइक पर आ गए। वेट नॉन स्ट्राइक एंड पर चंद्रेश, नॉन स्ट्राइक एंड पर चंद्रेश, स्ट्राइक पर नहीं पराग ने अभी बोल दिया। ओवर हुआ है ना, क्रॉसिंग का 26, तीसरा ओवर और 1 to go, 3 विकेट के नुकसान पर 26। अंतिम फाइनल मुकाबला लेवल्स प्रीमियर लीग LPL सीजन 3 का चैंपियन कौन बनेगा? स्ट्राइक पर पराग, गेंदबाजी के लिए संदीप जी तैयार। अगली गेंद और रमेश भाई का अनुभव, मेरी झलक सबसे अलग। तजुर्बा एक्सपीरियंस है इनके पास और उनके एक अलग अंदाज है, जिस तरह से शोले में हमने अमिताभ बच्चन को देखा था उसी उनका अलग अंदाज है। हेलो राजू सर, रमेश भाई ये कह रहे हैं कि सफेद बाल देख के फ्लावर समझा गया, फायर है मैं, फायर जीतेगा।
बहुत कुछ करने वाला है। किचन जी के पिताजी हैं, तो प्रणाम सर आपको भी। तो तीनों के समाप्ति के बाद 26 और चौथा विकेट गया है। 7 ओवर का मुकाबला है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। संजय शाह बल्लेबाजी के लिए, संजय स्ट्राइक पर, चंद्रेश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर संजय, और गेंदबाजी के लिए संजय। हम पर की दाहिनी ओर से अंडर आर्म राउंड द विकेट, ऑफ स्पिन, ओ इनसे बच कर रहना, बच के रहना बाबा बच के। अब रुक बाबा रुक वाला गाना चलना चाहिए। अगर बैंड बाजा बजना है तो गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए, ना तो बैंड बाजा बजेगा। थोड़ा संभल कर खेलना है। ऑन साइड पर बेहतरीन स्ट्रोक, 4 रन। चंद्रेश जी ने कहा है कि मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ, मुझे लेकर चलना है आगे, अपने टीम को संभलना है, संभलना है। बी राइट रियल इस्टेट चौका, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। अब बढ़ रहा है टेंशन, बढ़ना चाहिए कंट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप की जरूरत। संजय जी तैयार, संजय टू संजय, और लेग बाय के तौर पर ये डिक्लेयर में 1 रन मिलेगा और एक्स्ट्रा के माध्यम से और एक अतिरिक्त रन। रन संख्या 32 for 4। This is the fourth over in progress. Once again, on the wicket. Oh, what a shot! Straight down the ground. Middle of the bat and straight down the ground for another boundary. Outside the leg stump umpire given wide. So one extra run adding in the score. Score moves to 37. Run संख्या 37. 5वां ओवर प्रगति पथ पर, 7 ओवर का मुकाबला, 1 रन के लिए। जब तक वहां पर अनिल ने फील्ड करें, भद्रेश जी वहां पर है। ओवर की समाप्ति और रन संख्या 38, 4 ओवर की समाप्ति के बाद लगभग रन संख्या अगर देखा जाए तो निश्चित 9.5 का औसत यहां पर। अतुल जी हमारे साथ होते हुए अनुभवी और एक स्टैटिस्टिशियन के तौर पर, अकाउंटेंट के तौर पर बहुत कुछ अनुभव उनके पास है। अब गेंदबाजी के लिए मुकुल शोत्री, रॉयल एनफील्ड और कॉटन बॉल डायरेक्ट इन गॉन, क्या बात है, बहुत बढ़िया मुकुल। परिस्थिति के अनुकूल और जिस तरफ से दीपक जी ने फास्ट खेला था, अच्छा कैच, 5-6 विकेट। हाँ, कैच को बार बार, हर बार, हजार बार आप देख सकते हैं यूट्यूब पर आरजे रजनीश लाइव। जो देखने वाले हमारे घर बैठे भी दर्शक हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। अंतिम फाइनल मुकाबला मजाक में
कैप्टन भी कर दी, ये नाम है अलग है। बच्चे लोग किड्स, ये जो एरिया है ना वो स्पेशली डेडिकेटेड है फॉर टीम ओनर्स एंड स्पॉन्सर्स। यस प्लीज सभी ओके, ओनली टीम ओनर्स, सो ओनली टीम ओनर्स, रेस्ट ऑल प्लीज लीव दिस प्लेस, ओनली द स्पॉन्सर्स। बियर टू बॉक्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, सभी हमारे जो ओनर स्पॉन्सर यहाँ पर है। 7 विकेट अभी, हैट्रिक का बॉल, मुकुल कर रहे हैं कमाल, बेमिसाल कमाल जो करते हैं परिस्थिति पर कमाल, अनुकूल मुकुल, ओ हाथ में कैच हो सकता था लेकिन एक रन। 39 मिनट थोड़ा रुक कर खेलना होगा संजय जी को, पूरा 7 ओवर खेलकर आप 60-65 रन बना सकते हो, एक प्लान के साथ जाना होगा एसपीटी लाइन्स टीम को। ऑन साइड पर खेला हुआ स्कूल, एक रन, एक रन मुकम्मल, एक रन के साथ रन संख्या 40। 5वां ओवर प्रगति पथ पर आखिरी गेम, एक रन के साथ 41। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 41, 7 विकेट के नुकसान पर, 7 विकेट, 5 ओवर 41, 2 ओवर का खेल बाकी, 12 में 12 भी यहाँ से बनते हैं तो लगभग 53 हो सकते हैं, 12 में 15। दोनों भाई भाई, अतुल भाई, संजय भाई, हम दोनों भाई भाई, और क्या बात है, चिराग ने जमा दिए तो कमाल कर रहे हैं। नहीं, संभल कर, क्या माहौल है फाइनल का, 42, 8 विकेट नुकसान पर, और जिस विकेट को रुक कर खेलना था इसलिए मैंने कहा था संजय जी को वहां पर थोड़ा समय संयम के साथ खेलना था, पेशेंस, लेकिन पेशेंस खोया, और मैं बार बार वही कह रहा था कि बढ़ रहा टेंशन, बढ़ना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप, साझेदारी की जरूरत। 6वां ओवर चालू है और एक ओवर बाकी है, 9 विकेट गए, लास्ट विकेट, चिराग, नॉन स्ट्राइक पर चंदू जी, 42 for 9, और ये डिक्लेयर वन डे 43, 1-2। 7 बॉल में अगर 7 भी बना लेते तो 50 हो सकता है, और इसलिए मैं 2 या 3 बार कह रहा था जब संजय जी बैटिंग कर रहे थे तो थोड़ा सोच समझ कर बात करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए कि मैच को आगे लेकर जाना है, अभी भी 7 बॉल में 7 रन बचते तो 50 बन सकते हैं, और हो सकता था एक रन हो सकता था, लेकिन लास्ट बॉल में चंदू भाई ने सिंगल ले लिया। चंदू भाई तैयार, ये देखिए चंदू भाई तैयार है अपना ब्रह्मास्त्र लेकर, 43 for 9। एक बार रमेश भाई के लिए ताली हो जाए, स्कोर
44 runs to win in the finale. Thank you.
रनआउट किसने किया? रनआउट दिनेश भाई, अरिंद जी, पारस, आज का सबसे बढ़िया कैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच ऑफ द सीजन, इस टर्फ के सबसे बढ़िया खिलाड़ी। दिनेश जी का अली अली वाली देते मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा रही है, कॉन्फिडेंस एसटीपी लाइंस के लिए अभी भी एक पर एक ही है। ऑन साइड पर चला वस्तु हो सकता था और एक डॉट और एक आपकी जानकारी ये बता दूं, इनकी हाथ का फ्रैक्चर है और एक खेल में इनका दूसरा रिक्वेस्ट है। सभी जी तो गई जिन्हों का जोश है अभी जी का बन सकते तो दूसरी ओवर की ये पांचवी गेंद और कितनी जल्दबाजी, सब एक्साइटमेंट चालू है। पांच गेंद हो चुकी है, दस गेंद दो छोटी छोटी सब लगी गई। दो ओवर के समाप्ति के बाद दस गेंद दो सिंगल इज द लाइफ ऑफ यूनिवर्स। क्रिकेट के बेसिक को भूल रहे हैं जहाँ पर सिंगल सिंगल से लेकर बॉल टच करेंगे फिर भी, लेकिन पूरी सराहना, पूरा क्रेडिट एसपीबी लायंस गेंदबाज को जिनने कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को अपने हाथ खेलने के लिए। 30 गेंदें, 42 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए संजय जीता, एलपीएल का सीजन 3 का विजेता कौन बनेगा? अच्छे फील्डिंग क्योंकि डिक्लेयर में भी अरुण जी दौड़ रहे हैं, उन्हें पता है कि एक एक रन भी महत्वपूर्ण है, एक एक रन का महत्व बढ़ने वाला है क्योंकि ज़्यादा रन नहीं, ज़्यादा टाइम बैलेंस नहीं उनके पास, जिस तरह से टोटल बनी है 42-43 तो 44 बनाने थे जिस अंदाज से। और कमाल की फील्डिंग ऑल अराउंड, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय एसपीबी लायंस, दे ब्रिंग बैक इन द गेम विद द फील्डिंग विद द बॉलिंग। और ये चार रन, अब पारस ने अपना गियर चेंज किया है, तौर पर अगर आपको एक अलग स्पीड पर अगर बल्लेबाजी करनी होगी। चार रन, बी राइट रियल स्टेट चौका, एक बार फिर डाउन द ग्राउंड निकले हैं डॉट, दस संख्या छः, तीसरा ओवर, बहुत ही काटे की टक्कर और अच्छी फील्डिंग और एक डॉट, बिंदी वाली गेंदें बहुत हो चुकी है। अब तक अगर देखा जाए तो 17 में से देख सकते हैं कि 17 में से 12 गेंदें डॉट हो चुकी है और केवल जो रन आए हैं 7 वो 5 गेंदों पर आए, 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 7, 37/24। तीन ओवर 7, 24 बॉल्स, 24 बॉल, 37/8। अब 9 रन प्रति ओवर टारगेट करना होगा, आक्रमण करना होगा इस मैच को जीतने के लिए, अपने नजर को बदलना होगा। देखेंगे बल्लेबाज किस तरह से यहाँ पर कोशिश प्रयास करेंगे गेंदबाजी के लिए। अब दीपक जी तैयार, स्ट्राइक पर पारस, दीपक जी का पारस जी के लिए हर एक ओवर में नौ नौ बनाने होंगे, आज की मंडल पटका हुआ
एवरेज जो मेंटेन करना है 9 प्रति ओवर, तो ये मैच बनने वाला है। बहुत ही तगड़ा मुकाबला, अच्छा कंडक्ट किया एसपीबी लायंस टीम ने। पहली गेंद दीपक जी की, पहली गेंद और ये कहां से कहां गया देखिए, और ये रक्षा भी रन के दूसरे गलती का काम है सब भुगतना पड़ता हुआ। पूरी कोशिश की थी वन बाउंस टू बाउंस लेकिन चार रन कॉन्फिडेंस बनेगा। पहली गेंद पर चौवा आया है और एक बेहतरीन स्कोर रन संख्या 12। स्ट्राइक रोटेट करेंगे, सामने वाले खिलाड़ी को लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पर आप दबाव बढ़ा सकते हो। ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पकड़कर पीछे, गेंदबाजी के लेते हैं दीपक जी और अच्छी फील्डिंग, एक रन पूरा किया है जिस तरह रन हो सकता था, लेकिन अनिल जी राह देख रहे थे कि डिसीजन क्या आएगा। सुबह हमने एक मैच देखा था जहां पर बिंदास भाई जो टीम ने दौड़ कर 2 रन पूरे किए थे, एक टीम ने जश्न मनाया था, तो पूरी तरह से निगाह क्योंकि आपके पास ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं, आप रन बन रहे हैं और बॉल कम हो रहे हैं, तो कैलकुलेशन करना होगा आपको हम किस तरह से कितने ओवर को टारगेट करेंगे। ऑन साइड पर बेहतरीन स्कोर, बहुत बेहतरीन बिल्डिंग, बहुत बेहतरीन बिल्डिंग, बहुत बिल्डिंग, लगभग इस चौके को रोका है एक रन मुकम्मल। रन संख्या 14, चौथा ओवर, ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा बिल्कुल। अब अटैक करना होगा और एक तरफ दीपक जी भी अटैक कर रहे हैं जिस तरह की गेंदबाजी एसपीपी लायंस टीम के सभी गेंदबाज ने की है। फुल टॉस और चार रन, बी राइट रियल स्ट्रेट चौका, मिलेंगे रन चार तो बेड़ा होगा पार, गेंद सी मारे का बाहर, चार रन। रन संख्या 18, चार ओवर 18 में 26, 9 रन आए हैं और 9 की जरूरत, अब गेंदबाजी के लिए आए हैं बॉलर। संदीप जी, संदीप जी अग्रवाल तैयार गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पर पारस, व्हाट अ शॉट, यही क्या आपको भूलना होगा। सत्रह गेंदे 22 रन की जरूरत, खुदा हमारा जारी है। संदीप जी तैयार, अगली गेंद संदीप जी की और एक फिर एक बार खेला हुआ स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग अमर जी की, 16 गेंदे 22 रन, अच्छी फील्डिंग, एक रन का पूरा क्या देखेंगे यहाँ पर जाएंगे और जब तक वहां पर थ्रो करेंगे अंदर और चुके हैं, अंपायर का कोई बताओ इशारा नहीं अंपायर ने, और अब यहाँ पर डिसीजन आए हैं अंपायर का, इट्स नॉट राइट। तो 15 गेंदे 20 रन, क्या मैच चल रहा है, देखिए कमाल का मुकाबला जारी है। 15 गेंदे 20 रन, मेरे पास संदीप की तैयार अगली गेंद पालन जी के लिए और अंपायर का इशारा यह नो है। अब यहाँ पर दोनों तरफ मैच में पलटवार हो सकता है, सबके लिए याद रहा आज का शनिवार नहीं रविवार, एक बार छुट्टी का दिन, और ये भी यहाँ पर अंपायर प्लेयर डगआउट से कोई नहीं बोलना है, प्लेयर डगआउट से कोई मत बोलना, नो है कितना बोल दिया
15 बॉल 18 रन्स, 15 बॉल 18 रन्स. ओ व्हाट अ शॉट, अदर ब्यूटीफुल स्टॉप, मैग्निफिसेंट. पारस कह रहे कि मैं हूं ना, बी राइट रियल एस्टेट चौका, कमाल की पारी. पहले रुक कर खेले थे, अब अपना गियर चेंज कर रहे हैं. और एक नो आउट, नो रुचि भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी और पप्पा भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, जिस अंदाज से यहाँ पर खेल रहे हैं कमाल का अनुभव है. और मैच का देखिए 13 बॉल 13 रन्स, क्या मैच टर्न अराउंड. और एक रन तो पूरा किया है, एक रन मिलेंगे, 12 गेंदे 12 रन की जरूरत. इसीलिए कहते हैं कहीं धूप कहीं छाया, ये क्रिकेट की मोहम आया. 30 में 42 थे, फिर 18 में 27 थे, 26 और अब 12 में 12. आप देखेंगे 12 गेंदे 12 रन की जरूरत, वही गेंदबाज जिनने पहले 3 ओवर कमाल के किए थे. पहले 3 ओवर की बात की तो संजय जी ने गेंदबाजी की थी, संदीप जी ने गेंदबाजी की थी और वहाँ पर मैच का रूप बदला था. लेकिन अब कौन से गेंदबाज आएंगे, चंदू जी. तो अब चंदू जी अब और पहले गए चंदू जी, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहाँ पर अच्छी तौर पर 4 रन अपनी टीम के लिए रोके, 3 रन 11 पर 11. अभी भी ये मैच बना हुआ है, आखिरी ओवर तक जाएगा. तगड़ा मुकाबला सीनियर्स के इवर ग्रीन खिलाड़ी, फाइनल अंतिम मुकाबला कौन जीतेगा इस टाइटल सीजन 3 का. और टैप और बड़ी विकेट रन आउट. कल्पेश जी ने बराबर निशाना साध लिया वहां पर, जिस तरह से एक लक्ष्य भेद किया और स्टंप को हिट किया, बड़ी विकेट. 10 में 11 गाने में ट्विस्ट, कहीं मत जाइएगा. इस मैच में आखिरी गेंद तक यही रोमांच बना रहेगा. 10 गेंदे 11 रन की जरूरत. अनिल जीत्या अब स्ट्राइक पर रहेंगे, गेंदबाजी के लिए चंदू जी. ओ कैचिंग प्रैक्टिस, नो 10 में अब 10. ओ व्हाट अ शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग चंद्रेश जी वहां पर अपनी टीम के लिए. निश्चित तौर पर एक बार जोरदार तालियां चंद्रेश जी के लिए, कमाल की फील्डिंग. 9 गेंदे 9 रन की जरूरत. स्ट्राइक पर कप्तान, जिस तरह से हम देख रहे दोनों टीम के, इस तरह से मुकुल जी फुल टॉस और आउट, बड़ी विकेट. अब मैच में यहां पर फिर एक बार पलटवार, कौन पलटवार करेगा, वाह पलटवार. आज का दिन रविवार सबके लिए यादगार शानदार बनता हुआ. अब 8 बॉल 9 रन की जरूरत, विकेट गए 3. एक टीम ने एक टीम को ऑल आउट किया, अब इनके 3 विकेट गए हैं. लेकिन मैच 8 बॉल 9 रन, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करनी होगी. विकेट के लिए जाना होगा एसपीपी लाइंस. दूसरी तरफ मनोज अनिल संयम के साथ खेलने की कोशिश करेंगे. लेवल्स प्रीमियर लीग सीजन 3 का अंतिम फाइनल मुकाबला सीनियर्स, गेंदबाजी के लिए चंदू जी. और गेंद बल्ले पर नहीं आई है, लेकिन एक रन मुकम्मल जब तक अरुण जी वहां पर फील्ड करें. 7 बॉल 8 रन. और एक रन मुकम्मल, ओवर की समाप्ति. अच्छी गेंदबाजी चंदू द्वारा, चंदू जी ने मैच में कमबैक किया अपनी टीम के लिए. केवल इस ओवर में उन्होंने रन दिए हैं 5, तो 6 में 7, 6 बॉल 7 रन. सभी अपने लास्ट ओवर करने वाले खिलाड़ी को हौसला दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, मैच को हम जीतेंगे. 2007 के वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी ने जोगिंदर शर्मा को कहा था, हम दोनों रेलवे से खेले हैं, जब वाइट डाल रहे थे, मिस बॉल खेल रहे थे,
तब उन्होंने कहा क्रिकेट हमें कभी नाराज नहीं करेगा, हमें जीतना है क्रिकेट, इस वर्ल्ड कप को हमें जीतना है, तू तेरा खेल खेल, निश्चित तौर पर जीतेगा। मिसबाह ने स्ट्रोक लगाया और भारत ने 24 सितंबर 2007 को वर्ल्ड कप जीता था। बेहतरीन स्ट्रोक अपने टीम के लिए रोका है, नहीं तो ये मैच जीतने के लिए चौवा रोका है। पांच में अब छह तगड़ा मुकाबला, मनोज जी तैयार, एक एक रन के लिए यहाँ पर जूझती हुई दोनों टीमें। गेंदबाजी के लिए चंद्र जी, और ये वीराइट चौका, मिलेंगे रन चार तो बेड़ा होगा पार। मनोज पे सुपर हो रहे हैं, चार में दो, कॉन्फिडेंस मनोज जी के पास है। मनोज जी ने अनिल जी को कहा है मैं हूं ना, और मनोज जी देखेंगे इस मैच को गेम चेंजर खिलाड़ी होते हैं क्या। चार गेंदे, दो रन की जरूरत, सभी खिलाड़ियों को क्रिकेट टेस्ट जैसा सभी खिलाड़ी को आगे लेकर आए। शॉर्ट सीरी पॉइंट, शॉर्ट कवर पॉइंट, मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट, यहाँ पर अब तीन गेंदे, दो रन की जरूरत, कहानी में ट्विस्ट, दिल की धड़कने तेज। आपको टेंशन लगता होगा तो आखिरी तीन गेंदे ना देखे, हम देखे बताएंगे आपको क्या रिजल्ट हुआ, टेंशन नहीं लेना है। हाई वोल्टेज मुकाबला, रफ एंड टफ, तीन गेंदे, दो रन की जरूरत, खेला है, देखेंगे चुके हैं दो गेंदे एक रन, दो गेंदे एक रन, एक वाला आप देखेंगे, दो गेंदे एक रन, एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन, फाइनल विनर कौन बनेगा, दो गेंदे डॉट, एक विकेट, क्या करेंगे चंद्र जी, फील्डिंग में बदलाव, अमर अमर अमर, मैच टाई होता है तो सुपर ओवर, दो बॉल एक रन की जरूरत, फील्डिंग में बदलाव कर रहे हैं, चंद्र जी तैयार, इसे कहते हैं क्रिकेट, कई धूप कई छाया, ये क्रिकेट की मोहमाया। अब कौन से बल्लेबाज आएंगे, और जो नए बल्लेबाज आएंगे, स्ट्राइक पर मनोज जी, तो एक अच्छी बात है कि जिस बैट्समैन ने मैच में लाया है वो साइड में स्ट्राइक पर रहेंगे, बहुत ही तगड़ा मुकाबला। एक मिनट चंद्रेश भाई, चंद्र जीता, चलो ये अंतिम फाइनल मुकाबला, एक बार जोरदार तालियां, एक बॉल एक रन की जरूरत। दिनेश भाई और मनीष भाई, ये बात पहले सुन लीजिए, इन केस टाई होता है, सुपर ओवर होगा एक एक ओवर का, तीन बैट्समैन को बैटिंग मिलेगी, दो आउट होने पे गेम वहीं पे ओवर हो जाएगा, एक बॉलर जो डालेगा वो भी बैट्समैन में नहीं होगा, और वहां पे भी टाई हुआ अगर इसके दौरान जितने फोर लगे हैं वो फाइनल फोर, वो भी होल्डिंग विनर हो जाएगा, बराबर है, एक्सक्लूडिंग सिक्सेस, सिक्सेस वोंट बी काउंटेड, ओनली फोर्स। क्या बात है, धन्यवाद, सेम रूल, सुपर ओवर के बाउंड्रीज काउंट नहीं होंगे। हाँ हाँ, यू कैन गिव, यू कैन गिव, एक बॉल है, दिल की धड़कने तेज, एक बॉल है, कौन जीतेगा, एसपीबी लायंस क्या फाल्कन ब्लास्टर्स, 44 करने थे, 42 बॉल, व्हाट अ मैच, सभी खिलाड़ी बहुत ही करीब, क्या होगा, एक बार जोरदार तालियां, एक बॉल एक रन, इसलिए मैंने कहा दिल की धड़कने तेज है, अगर आपको टेंशन लग रहा है आप आंखें बंद करो, हम बताएंगे क्या हुआ है। चलो एक बॉल एक रन की जरूरत, गेंदबाज चंद्र जी,
खड़े थे वो बैठ गए, जो चल रहे थे वो रुक गए, रुकने वाले चलने लगे, बहुत कुछ हुआ। चलो दोनों महिलाओं की टीमें